हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आवर स्कूल। हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा ग्रोविंग प्लांट्स यानी कि पौधों का विकास। हमारी ए पार्ट हो गया था, बी हो गया था और नेक्स्ट है सी, नेम द फॉलोइंग। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम रूट्स, यानी कि दो पौधे कौन से हैं जो रूट के द्वारा विकसित होता है। ग्रोन यानी विकास होना, रूट्स। फर्स्ट होता है पोटेटो यानी आलू, सेकेंड बी एन कैरोट, कैरोट एन गाजर। ये दोनों प्लांट क्या होता है, ग्राउंड के अंदर ग्रोन होता है, ग्राउंड के अंदर जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा इनका विकास होता है, इसलिए इनको कहा गया है ग्रोन फ्रॉम रूट्स। नेक्स्ट है हमारा टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम्स, दो प्लांट्स के नाम बताओ जो तने के द्वारा विकसित होते हो। तने के द्वारा विकसित होने वाला फर्स्ट है रोज यानी गुलाब का फूल, सेकेंड है मनी प्लांट। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू शीट्स दैट आर डिस्प्रेड बाय एक्सप्लोजन, यानी कि दो शीट्स बीजों के नाम बताओ जो फैलते हैं विस्फोट के द्वारा, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। तो फर्स्ट हो जाएगा पी मटर और सेकेंड हो जाएगा बी पॉपी। फोर्थ है हमारा नेक्स्ट फील्ड टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, यानी कि दो एग्जाम्पल बताओ किसके, खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ फसल हो गए। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइस यानी चावल और सेकेंड मेज यानी मक्का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो द पार्ट ऑफ सीड दैट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इन साइड ए सीड, यानी कि बीज का वह भाग जो बेबी प्लांट की सुरक्षा करता है बीज के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, सीड कोर, यानी कि बीज आवरण। ओके, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं केयरफुली, और इसको आपको रफ वर्कशीट में नोट करना है, नहीं कि फेर में नहीं करना आपको वर्क। ओके, फर्स्ट है हमारा, वापस अगेन रिपीट कर रहा हूं, टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम रूट्स, यानी कि रूट्स के द्वारा ग्रो होने वाले टू प्लांट्स कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा पोटेटो और सेकेंड हो जाएगा कैरोट यानी कि गाजर, आलू और गाजर। नेक्स्ट हमारा टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम्स, स्टेम्स के द्वारा ग्रोन होने वाले टू प्लांट्स के नेम बताओ तने के द्वारा। तो फर्स्ट हो जाएगा रोज गुलाब और सेकेंड हो जाएगा फिर मनी प्लांट। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो टू सीड्स दैट आर डिस्प्रेड बाई एक्सप्लोजन, दो सीड्स कौन से हैं जिनका बिखराव किसके द्वारा होता है, विस्फोट के द्वारा, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। तो फर्स्ट हो जाएगा पी मटर और सेकेंड बी हो जाएगा पॉपी। फोर्थ है हमारा टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, यानी दो खरीफ क्रॉप्स, दो खरीफ फसलों के नाम बताओ। तो फर्स्ट हो जाएगा राइस चावल, सेकेंड हो जाएगा मेज मक्का। नेक्स्ट फाइव की ओर चलते हैं। द पार्ट ऑफ सीड दैट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इन साइड ए सीड, यानी कि बीज का वह भाग जो प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को सीड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट यानी कि बीज आवरण। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डी पार्ट की ओर। नेक्स्ट डी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है यानी कि अंकुरण क्या है। क्या है जर्मिनेशन की डेफिनेशन, अंकुरण की, अंकुरण किसको बोलते हैं, एनीवन आंसर। आंसर हो जाएगा इसका द प्रोसेस, प्रोसेस बाय विच जिसके द्वारा ए सीड, ए बीज ग्रो विकसित होता है इनटू ए न्यू प्लांट। जर्मिनेशन
यानी एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक सीड यानी एक बीज ग्रो होता है विकसित इनटू ए न्यू प्लांट, एक नए पौधे में, उसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड, व्हाट इज सीड डिस्पर्सन? क्या होता है सीड डिस्पर्सन यानी बीजों का बिखराव क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस यानी प्रक्रिया बाय विच जिसके द्वारा सीड्स यानी बीजों को स्कैड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, यानी मदर प्लांट से स्कैड यानी कि दूर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल यानी बीजों का बिखराव। ओके, इन क्वेश्चन आंसर को आप रीड एंड रिमेंबर करना है एंड रफ वर्कशीट में वर्क करना है आपको ये। ओके, थैंक्स।